नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, TGT PGT का फाइनली रिजल्ट आ चुका है और आप जानते थे कि PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है ये 2595 पदों पर वैकेंसी थी और TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ये 12603 पदों पर वैकेंसी थी। दोनों का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि कोर्ट का आदेश था कि 31 अक्टूबर तक फाइनल ज्वाइनिंग दे ही देना है, तो 31 अक्टूबर तक फाइनल ज्वाइनिंग सभी बंदों को मिल चुकी है। 12603 पद ये लोग भी पा चुके हैं और 2595 ये लोग भी पा चुके हैं। जिन लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है उन लोगों को अनंत शुभकामनाएँ। आप अपना कार्यकाल अच्छे से निर्वहन करें, बच्चों को सभ्य बनाएँ और समाज के साथ जोड़ने का कार्य करें। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ऐसा कार्य करेंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। आज ये वीडियो निर्भर है एक ऐसे व्यक्तित्व पे जिनका फाइनली सिलेक्शन PGT के थ्रू, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के थ्रू, भूगोल प्रवक्ता के रूप में हुआ है, बालक वर्ग के थ्रू हुआ है। आप PGT में जानते थे टोटल वैकेंसी 2595 थी, जबकि अगर बात करते हैं भूगोल की तो बालक वर्ग में जनरल के लिए 124 पदों का प्रावधान था, OBC के लिए 81 और SC के लिए 45, जबकि ST के लिए कोई भी पद निर्धारित नहीं था। इस टाइप से PGT में भूगोल के लिए 250 पदों का प्रावधान था, जिसमें फाइनल सिलेक्शन इन महानुभाव का हुआ है, जिनका नाम, रोल नंबर और पूरा डिटेल्स हम आगे देखेंगे। ये अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। नाम है अशोक कुमार तिवारी। चेहरे देख सकते हैं आप, फोटो में देख के कन्फर्म कर सकते हैं एज क्या होगी और एज के अकॉर्डिंग इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। हालांकि इन्होंने अभी तक एक भी बार PGT या TGT की परीक्षा नहीं दी थी। 63वें नंबर पे इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। अशोक कुमार तिवारी जी का अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल कोटे में है, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं तो इनका सिलेक्शन 4थे या 5वें रैंक पर हो जाता। पूरी वैकेंसी 250 पदों पर है और 63 नंबर पर अगर इनकी ज्वाइनिंग है तो आराम से इन्हें विद्यालय मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके क्रम में हम कुछ निर्देश देखेंगे जो इन्होंने कहा है, बताया है। इनसे बात करके कुछ अच्छा लगा है, जो अच्छी टिप्स इन्होंने दी है उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इन्होंने कहा है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बेटा, बहुत सही और बहुत सटीक जानकारी इन्होंने दी है कि संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो फाइनली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। कोई कितना भी आपका मार्ग भटकाए लेकिन आप भटकने वाले नहीं हैं। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है अपनी मंजिल के प्रति तो फाइनली सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा। खास बात है कि डिग्रियां तो आप जो है पढ़ाई के खर्च की रसीदों के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान वही चीज़ है जो आपके किरदार से झलकता है। आप देख सकते हैं कि कितना मासूम सा चेहरा है और फाइनली सिलेक्शन इनका PGT के थ्रू भूगोल प्रवक्ता के रूप में हुआ है। कुछ खास संदेश इन्होंने और छोड़ा है। इन्होंने कहा है, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। जो लोग नए हैं उनके लिए खास संदेश इन्होंने दिया है कि सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा बेटा अब तेरी बारी है। तो अभी आपको हताश निराश नहीं होना है, अपना संकल्प निश्चित कीजिए और फाइनली उसी के थ्रू अपना कार्य स्टार्ट कर दीजिए। कुछ खास बातें और हैं जिनके थ्रू इन्होंने कुछ मोटिवेशन दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा है, देखा है मैंने यह आलम इस ज़माने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग परीक्षा को निभाने में। बेटा, परीक्षा देते हुए आप समझ नहीं पा रहे होंगे इनका अनुभव कितना है। ये 3 से 4 बार नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। नेट, भूगोल से नेट देते थे और 3 से 4 बार नेट का सर्टिफिकेट इनके पास है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार ये इंटरव्यू दे चुके हैं, फाइनली सिलेक्शन इनका वहाँ पे नहीं हुआ है। PGT में ये पहली बार परीक्षा देते हैं और पहली बार में फाइनली सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इनका मुख्य ध्येय, जो मुख्य उद्देश्य था पहले, सिविल सेवा की तरफ था और IAS बनना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो IAS के थ्रू ये नौकरी पाने में असफल हुए, क्योंकि IAS में ये 4 अटेम्प्ट पाए थे, 1 बार ये इंटरव्यू यानी साक्षात्कार तक भी पहुँचे थे, लेकिन साक्षात्कार में ये बाहर हो गए। और बाहर का रास्ता इन्हें इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये सवर्ण समाज से आते थे,
ठीक है। उसके बाद ये 4 से 5 बार स्टेट पीसीएस, चाहे वो मध्य प्रदेश का पीसीएस रहा हो, उत्तर प्रदेश का रहा हो, झारखंड का रहा हो, बिहार का रहा हो, सभी में अपने भाग्य को आजमाया और 3 से 4 बार फाइनली ये इंटरव्यू में भी पहुँचे। आप सब जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद साक्षात्कार होता है, और जिसका अच्छा नंबर आता है मुख्य परीक्षा में उसी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। तो इस टाइप से फाइनली साक्षात्कार में 4 से 5 बार वहाँ भी पार्टिसिपेट किए, लेकिन फाइनल लक साथ ना देने की वजह से वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद अब जो दौर आया उसमें इन्होंने देखा कि जब लास्ट टाइम चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार इंटरव्यू देने पे नहीं हुआ, तब जाके इन्होंने लास्ट टर्म में एकदम जो वैकेंसी आई थी 2021 वाली, 2021 वाले में फॉर्म अप्लाई कर दिया और पीजीटी के थ्रू ज्योग्राफी सब्जेक्ट से किया और ज्योग्राफी में फाइनली इनका सिलेक्शन भी हो गया है। आपने देखा 63वें क्रम पे है। टोटल जनरल के लिए 124 पदों का प्रावधान है। ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में आ चुका है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। विद्यालय अलाटमेंट इनका आज शाम तक हो ही जाएगा, कल हो सकता है आपको रूबरू करा दूं मैं फ्रंट पेज से। उसके बाद जब मैंने पूछा कुछ और ख़ास बात बताइए, तो इन्होंने कहा बेटा कि ज़िंदगी जीने के लिए मिली थी, लोग इसे सोचने में ही गुजार देते हैं, ऐसा गलत है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ कार्य नहीं करेंगे, यानी कर्म नहीं करेंगे। बेटा केवल सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, ज़िंदगी तो जीने के लिए मिली ही थी, सोचने से कुछ नहीं होगा, केवल अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसी की तरफ मेहनत जारी कर दीजिए, ठीक है। अगला संदेश इन्होंने दिया, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर था झुकने का। जब इन्होंने देखा सिविल सेवाओं में इनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं, इनका अटेम्प्ट भी ख़त्म हो रहा है, तब लास्ट टर्म में इन्होंने अपना अच्छा रास्ता अपनाया और आप जानते हैं कि पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है इसका पे स्केल 5600 है, ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी भी इसमें आएगी, मान सम्मान वाली नौकरी भी है। साथ ही अब अगर पीजीटी में फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 5 वर्ष के लिए, अगर आपकी एज लिमिट निकल चुकी है तो 5 वर्ष के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल जाता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरने के लिए। तो अब इन महानुभाव का फाइनली 5 वर्ष का कोटा और बढ़ गया है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर देने में। हालांकि ये कई बार इन परीक्षाओं से गुजरे हैं, कई बार मुख्य परीक्षा में बैठे हैं, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं कहूँगा बैड लक ही साथ दे रहा था, नहीं तो ज्ञान के भंडार हैं, कई विषयों में बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, पकड़ रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, मैं आपको रूबरू कराऊँगा, बहुत जल्द रूबरू कराऊँगा। उसके बाद भाई साहब से पूछा गया कि कुछ नया बताइए, जो लड़के अभी नई नई तैयारी में आए हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल तो कोई हमारी तरह ज़िंदगी भर सफ़र में रहा। फाइनली सिलेक्शन 40+ पे हुआ है, भाई साहब का फाइनली सिलेक्शन 40+ पे हुआ है, अशोक कुमार तिवारी जी नाम है। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा इनका फाइनली नवोदय विद्यालय से होता है और 10+2 वहीं से क्वालिफाई करते हैं। 10+2 क्वालिफाई करने के बाद इनका फाइनली सिलेक्शन इंडियन नेवी में भी हो जाता है, इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी में सिलेक्शन पाने वाले ये क्षेत्र के पहले बंदे थे। इंडियन नेवी में सिलेक्शन पाने के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर लिया और ट्रेनिंग में भी गए। 4-5 दिन ट्रेनिंग में रहने पर इन्हें अजीब तरह की प्रताड़ना दी गई और जो ये मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाए और नौकरी छोड़ के चले आए। नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने अपना मूड बनाया कि अब हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फाइनली स्नातक करना है, उसके बाद परास्नातक करना है, उसके बाद हमें जो है सिविल सेवा में लग जाना है। और सिविल सेवा में लगते ही इन्होंने इतना अच्छा जो है रिजल्ट दिया कि फाइनली पहले ही अटैम्प्ट में इनका IAS का प्री निकला, उसके बाद मुख्य परीक्षा में दिए और मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार तक पहुँचे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को अपने जो है लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना है और चुनौतियों को अपने मन में अंदर ही दबाए रखना है, उसी के प्रति सब कुछ करना है, अपने जो संकल्प बनाया है उसी के थ्रू सब कुछ संभव है बेटा। तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए।
तो अगर आप भी अपनी मंजिल TGT या PGT बना रहे हैं तो नई भर्ती 27,000 आने वाली है और उसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हैं, एक पोस्ट कंफर्म कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या कुछ भी आपको इससे सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कर दें, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ और अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति हमें बताता है तभी हमारे अंदर कोई अच्छा मैसेज जाता है और तभी हम पढ़ाई के प्रति जो है लग पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।